दरभंगा में 16 तारीख से होने वाले लॉकडाउन की कड़ाई से पालन को लेकर के अभी दरभंगा डीएम, एसएसपी, सिटी एसपी, एडीएम, नगर आयुक्त के साथ सभी प्रखंड एवं अनुमंडल अधिकारियों की बैठक चल रही है। इस हाई लेवल की बैठक में इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि पुलिस और प्रशासन मिलकर दरभंगा की जनता को कोरोना से सुरक्षित रखने एवं लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किस तरह किया जा सकता है। कई लोग जो आज भी लॉकडाउन को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों पर किस तरह कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आम जनता को कोरोना से बचाया जा सके। कई ऐसे अहम बिंदु हैं जिस पर दरभंगा डीएम ने प्रखंड स्तर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ हुए निर्णय की जानकारी दी। गौरतलब है कि दरभंगा में बढ़ते कोरोना के खतरा को देखते हुए दरभंगा डीएम भी अपने स्तर से हाई लेवल मीटिंग कर लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन का पूरे बिहार में 16 से 31 तारीख तक कड़ाई से पालन करने के लिए जिलाधिकारी को भी विशेष आदेश दिया गया है ताकि वो अपने जिला में अपने स्तर से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कर सकें। गौरतलब है कि दरभंगा डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त, एडीएम, एसडीपीओ, सिटी एसपी सभी मिलकर एसडीओ के साथ दरभंगा में विधि व्यवस्था के साथ शांतिपूर्ण एवं पूरी कड़ाई के साथ बाजार में मटरगश्ती करने वालों एवं लॉकडाउन की अवहेलना करने वाले लोगों पर किस तरह की कड़ी कार्रवाई की जाए। सुबह से ही दरभंगा पुलिस सड़कों पर निकलेगी। बिना मास्क पहने या वैसे दुकानदार जिन्हें बंद रखना है वही खोलते पाए जाएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज इस संबंध में दरभंगा डीएम की हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद कई तथ्य सामने आएंगे। मिथिला मजदूर, आपको हर अपडेट आप तक पहुँचाने का